आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने आय व्यय पढ़ लिए थे कि हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे बजट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं आय, यानी कि हमने कमाया क्या क्या, किस तरह की आय में जो हमारे सपोर्टेड थे, कि जैसे किसी को वेतन मिल रहा था, संचाई का मिल रही थी, या उस तरह के जो भी इससे जुड़े हुए थे। फिर हमने इसमें पढ़ा व्यय, कमाया तो खर्च भी किया। अब हम क्या पढ़ेंगे, बजट। और बजट के पास पढ़ेंगे, इसी में बजट में ही पढ़ेंगे कि बचत, बचत कैसे करेंगे, जब क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, जब हम किसी चीज का बजट बनाते हैं तो बजट बनाने के बाद भी हमें पता लगता है ना कि हमारी कितनी आय थी, कितना व्यय हुआ, और उसमें दोनों के बीच में हम कितना सेविंग कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बजट। बजट बनाने के महत्वपूर्ण हमारे मतलब लाभ हमें होता है, बजट बनाने से महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं कुछ। क्यों? क्योंकि बजट जब हम किसी चीज का बना लेके चलते हैं आय और व्यय के साथ, तो हमें पता होता है कि हमारी इनकम कितनी है और हम कितना उसमें से हमें खर्च करना है और कितना हमें उसमें से सेव करना है। तो बजट भी जो है दो तरह के बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही आता है आपका कि बजट मासिक है या वार्षिक है, वार्षिक या मासिक। अगर आपसे पूछ ले, बजट दोनों तरह के होते हैं, वार्षिक भी होता है, मासिक भी होता है, यानी कि ईयरली भी होता है और मंथली भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बेस बता रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैं आपको अपने अपने नोट से पढ़ाऊंगी। वार्षिक होता है जो ईयरली होता है आपका, यानी कि साल में एक बार इनकम आती है, और मंथली होता है जो आपके घरों में बनाया जाता है, पर मंथ इनकम वाला, जिसके घर में पर मंथ आती होगी, जैसे सैलरी आती है या कहीं और से कोई अदर रिसोर्स से आता है। वार्षिक जो होता है वो वार्षिक बनाया जाता है बाय गवर्नमेंट, और जो हम मासिक बनाते हैं बाय फैमिली मेंबर या हेड ऑफ द फैमिली मेंबर कह सकते हैं, मुखिया द्वारा या फैमिली कह सकते हैं। ये जो हमारा वार्षिक बजट है ये इस तरह के होते हैं, जैसे जो हमारे बजट पास होते हैं जिसमें हमारे टेंडर्स छूटते हैं, जैसे रेलवे का बजट है, जल का बजट है, पानी का बजट है, सड़क का बजट है, एक्सेट्रा, जो बड़े लेवल पर बनाए जाते हैं जिनमें करोड़ों की इनकम होती है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की सोची जाती है, तो ये हमारे गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। मासिक बजट में हमारा घर का बजट आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें धन व्यवस्थापन में मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ बचा सकते हैं और कहाँ पे हम खर्च कर सकते हैं, कैसे हम अपने बजट बना के। तो जैसे हम कपड़े पे बचा सकते हैं, भाई इस बच्चे की स्कूल की फीस है, ट्यूशन की फीस है, वो हमने देनी देनी है, किसी की बीमारी है तो उस पर हमें खर्च करना ही करना है। तो हमें कहीं किसी को कोई हमारा ऐतिहासिक या ट्रेडिशनली कोई चीज है, कोई पूजा पाठ है, वो करना है तो हम उसमें खर्च कर सकते हैं। किराए पे अगर हम रह रहे हैं तो किराए पे दे सकते हैं, मतलब देंगे ही देंगे, बिजली हम जितनी खर्च करेंगे उसका बिल देंगे। तो जो हमारी बेसिक नीड होती है वो तो हम खर्च करने ही होता है हमें, लेकिन जो हमारी वैसी नीड होते हैं, जो हमने शौक पाल रखे हैं, उनमें से हम कम कर सकते हैं। तो इसी में हम, जब बजट हमारे पास होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास आपकी सैलरी आ रही है 70,000, 70,000 आपकी तनख्वाह है, खर्च आपके 1 लाख रुपए के हैं, तो हाउ डू टू मैनेज, आप कैसे उसमें मैनेज करेंगे। तो यही चीज क्या होगी कि आपके जो खर्चे हैं, आपके जो एक्सपेंस हैं, उन एक्सपेंस और जो आपके टोटल इनकम है उनके बीच में आपको कहाँ कितना बचाना है, वो रेशियो निकाल के जो समायोजन होगा, समायोजन करके जो फेयर लिस्ट निकलेगी वो आपका बजट होगा, बजट में लिखा जाएगा। बजट अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं तो आय व्यय का जो ब्योरा रखता है, आय व्यय के का जो आपको दिखाता है कि कितनी इनकम हुई और कितना खर्च हुआ, बनाते जो टोटल आपकी इनकम को प्रदर्शित करता है वो आपका बजट होता है। अच्छा, बजट में क्या होता है, बजट बनाने के क्या क्या लाभ होते हैं, बजट बनाने के जो लाभ होते हैं, बजट बनाना क्यों उपयोगी है, बजट बनाने के लाभ या उपयोगी क्यों है, ये कैसे उपयोगी होता है,
इसमें सबसे पहले अगर हमें वन पॉइंट आपका देखूं कि बजट क्यों हमें बना लेना चाहिए, बजट होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले होता है कि बजट जो है हमारे खर्चों से बचा, जो हमारे अनावश्यक खर्चे होते हैं यानी कि वेस्टेज जो हमारे खर्चे होते हैं, अनावश्यक यहाँ पे हम रख लेते हैं बजट, ये हमारा बजट है। इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम चले तो अनावश्यक जो खर्चे हैं उनसे बचाता है। एक एक पॉइंट लिखेंगे और एक एक पॉइंट समझेंगे। अनावश्यक खर्चे कैसे, जैसे कि मैंने आपको मनोरंजन का बताया था, कपड़ों का एग्जाम्पल बताया था, या फिर घूमने फिरने का बताया था कि हर फ्राइडे सैटरडे कोई नई पिक्चर रिलीज हुई और आप देखने पहुंच गए एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हम उसको मंथली भी देख सकते हैं या वीकली भी देख सकते हैं। तो या फिर हमें कहीं जाना है और हमारी कैपेसिटी क्या है, 1,000 रुपये खर्च करने की है, और हम तो भाई नहीं, हम पैदल भी जाके वहां जा सकते थे या हम बाय ट्रेन बाय बस जा सकते थे, लेकिन हमें क्या, हमें तो फ्लाइट से जाना है, अनावश्यक खर्चे हमने कर दिए। जब हम कहीं 100 रुपये खर्च करके पहुंच सकते हैं तो फिर 1,000 रुपये क्यों खर्च करने। तो अगर हम बजट बना के चलते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितना खर्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बजट जो है हमारा हमें अनावश्यक खर्चों से ही बचाता है। और सेकेंड पॉइंट आपका आता है इसमें, तो सेकेंड ये आता है कि मितव्य तरीके से खर्च करते हैं। अगर हम बजट बनाते हैं उसको, तो उसको मितव्यय तरीके से खर्च करते हैं। मितव्यय तरीके से कैसे खर्च करेंगे, मितव्यय का मतलब होता है सोच समझ कर चलना, मतलब सही तरीके से चलना। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कंजूस हैं, अगर कोई मितव्यय तरीके से चल रहा है तो वो कंजूस है। मितव्यय तरीके से होता है कि वो सूझबूझ के साथ खर्च करेगा, समझदारी के साथ खर्च करेगा। तो ये एक सेकंड बेनिफिट इसका ही होता है। थर्ड होता है इसकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति जो है उसमें भी सुधार आता है। क्यों, क्योंकि पता लगा कि आपका जो आपकी इन सैलरी आई, आपकी 50,000 आए या आपकी 1 लाख आए, और आपने उसको बिना बजट बनाए, जो आपकी बेसिक नीड थी वो तो पूरी नहीं हुई और हवा में उड़ा दी, तो इससे क्या होगी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। लेकिन जब आप एक अच्छा बजट बना के उसको बजट के हिसाब से और आपके परिवार जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स की जरूरतों के हिसाब से खर्च करेंगे, तो आपकी क्या होगी, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इसके बाद आता है, आर्थिक स्थिति के बाद आय के स्रोत। आय के स्रोत क्या होते हैं, आय के स्रोत होते हैं कि एक तो आपकी सैलरी आ गई, ठीक है, आप सैलरीड पर्सन है, एक आपकी आप बिजनेस पर्सन है, या कई बार क्या होता है कि हम सैलरीड पर्सन होने के साथ साथ भी छोटे छोटे काम कर लेते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ा लिया, या घर में कोई हमारे पास कोई और स्किल है, हमने उस स्किल का यूज करके पैसे कमा लिए, या फिर हम इसमें ये भी कह सकते हैं, ये मेन फैक्टर होता है कि आपको ये देखना है कि आपके पास आपके आय के स्रोत क्या हैं, यानी कि आप बजट से बना रहे हैं और आपको बजट बनाना है एक मतलब 50,000 रुपए का, तो और सैलरी आपकी ज्यादा है, तो आप इसमें ज्यादा या कम है, तो आपको ये देखना है खर्चों की लिस्ट बनाते हुए, खर्चे अपने लिखते हुए, कि आपके आय के अन्य स्रोत क्या है, कहाँ से आ सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे पीजी रहते हैं, कोई बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, तो उस बच्चे को क्या करेंगे, जब वो घर से चलेगा, टोटल उसकी ट्यूशन फीस, उसका रहने खाने का खर्चा हमने उसे दे दिया। लेकिन हमारी जो इंडियन फैमिली होती है, वो जब बच्चा अपने से दूर जाता है ना, तो पेरेंट्स का प्यार ज्यादा उमड़ जाता है, तो वो भाई मम्मी के पास गया, तो कुछ जो पॉकेट मनी मम्मी को मिलती है, घर का खर्चा मिलता है, उसमें से कुछ बचा के मम्मी ने उसकी जेब में डाल दिए, फिर वो दादी से मिला, बाबा से मिला, तो सबने थोड़ा 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 पैसा करके क्या करा, उस बच्चे को दे दिया। अब पापा ने तो उसको खर्चे के लिए 10,000 ही दिए थे, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स थे अदर उसके, उन फैमिली मेंबर्स ने किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 1,000 करके उसे 5,000 और कर दिए थोड़े थोड़े करके, तो टोटल उसके पास कितना हुआ, आए उसके पास जो कमाई हुई उसकी 15,000 हुई ना। और समझदारी क्या है, अगर वो इन 15,000 को सेव करके अपने पास रखेगी, तो वो उसी के हिसाब से रखेगी या रखेगा, तो वो उन 15,000 रुपए के हिसाब से अपना बजट बना के चलेगा। तो ये आय के अन्य स्रोत होते हैं, कि उसको देखना है कि उसके अन्य पास रिसोर्स क्या है, जो उसकी डिमांड है, जो उसने बनाए हैं, वो क्या फुलफिल हो पा रहे हैं। अगर फुलफिल हो पा रहे हैं तो वो आय के अन्य स्रोत के थ्रू हो पा रहे हैं, या उसकी खुद की आय से हो पा रहे हैं। इसके पास आता है मदों पर खर्च। मद क्या होता है, आगे हम उसका पढ़ेंगे, मदों पर खर्च। मदों पर खर्च मतलब जैसे खाना, कपड़ा, मकान, ईंधन, जो आपकी बेसिक नीड होती हैं, उन पर जो खर्च करते हैं, यानी खाने पे कितना परसेंट खर्च हो रहा है, कपड़ों पर कितना परसेंट का
और खर्च हो रहा है, रहने पर कितना खर्च हो रहा है आदि, जो आपकी बेसिक नीड होते हैं जीवन जीने के लिए, जो आपकी आधारभूत नीड है। इसके बाद आपका आता है प्राथमिक आवश्यकता। प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है? प्राथमिक आवश्यकता होती है जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मान लिया आपने 10 काम बनाए, तो सबसे पहले बजट बनाया, तो बजट में आपने 10 कामों के 10 खर्चों की लिस्ट बनाई, तो उन 10 खर्चों में जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सपोज करो कि आपने खर्चे बनाया कि मकान का रेंट देना है, बच्चे की फीस देनी है, बच्चे की ट्यूशन फीस देनी है, बीमारी है, तो उसमें से जो आपको पहला काम लगेगा, जो आपके लिए बेसिक नीड है, आप सबसे पहले उसी पर खर्च करेंगे। इसके बाद आपके ये सारी हैं, इसके अलग और भी हैं कुछ जो बजट बनाने से जिनसे हमें लाभ होता है। इसके बाद आता है व्यय करने में, जो व्यय हम करते हैं, खर्च जो हम करते हैं, व्यय को रोकने में मदद करता है। व्यय को कैसे रोकने में मदद करता है? जब हमारे पास टोटल बजट बना होता है, इनकम भी हमें पता होती है कि इनकम कितनी है, और आपको अपने व्यय भी पता होते हैं, खर्च भी पता होते हैं कि एक्सपेंस आपके कितने हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जो आपके अनवेस्टेड जो खर्चे हैं, अनावश्यक जो खर्चे हैं, जो आपके फजूल के खर्चे हैं, जो आप ना चाह के भी कर लेते हैं ऐसी हवाओं में, कि आपका मन तो था क्या, आज आपका मन करा खाना खाने का, आप खाना खाने बाहर चले गए, अपनी फ्रेंड को भी साथ ले गए, और आपने भी 200-300 का आपने खाया, 200-300 का अपनी की फ्रेंड ने खाया, उस टाइम पेट भर गया, घर आ गए। घर आने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि भाई मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, जो पैसे थे, और उन पैसों से मुझे कोई बुक्स भी खरीदनी थी, बट मैंने वो क्या करे, मैंने वो खा लिए, खा के वेस्ट कर लिए, जबकि वो खुद बना के भी खा सकती थी, उसके पास दूसरे ऑप्शन भी थे, और खुद तो खाया ही खाया, अपने दोस्त को भी खिलाया, तो वो क्या हुआ, इस जब हम बजट बनाते हैं तो वो अनावश्यक खर्चा हुआ ना आपका, तो इस तरीके जो खर्च करने थे उसको रोकने में भी बजट जो है आपकी मदद करता है। इसके बाद आपका आता है रहने सहने का स्तर, जो आपका रहने का स्तर होता है। में सुधार आता है जब आप कोई चीज बजट बना के या प्लानिंग के साथ चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो जब आपकी इकोनॉमी स्थिति अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपके सारे खर्चे पूरे हो रहे होंगे, आपकी सेविंग हो रही होंगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो रहने का स्टैंडर्ड है, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो एक एटमोसफेयर आपने अपने आसपास क्रिएट किया हुआ है आपका, वो भी आपकी जो मतलब स्थिति कह सकते हैं, जो दैनिक स्थिति है, उसमें भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, सुधार होगा। और जब रहने के स्तर में सुधार होगा तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, संतोष यानी कि सेटिस्फेक्शन, आपको संतोष की प्राप्ति होगी। अब क्या है, संतोष की प्राप्ति होगी, क्यों, क्योंकि आपके अनावश्यक जो आपके वेस्टेज खर्चे थे वो भी खत्म हो गए बजट बनाने से, सूझबूझ के साथ अच्छा सरल तरीके से आप सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होगी, आपके आय के स्रोत भी आपको पता है कि अगर मैं इतना खर्च करूंगी तो हाँ चलो भाई मेरे पास अब मंथ एंड में अदर सोर्स भी है, तो मैं वहां से अपना आगे का बजट कंप्लीट कर लूंगी, जरूरतें पूरी कर लूंगी, ये भी आपको पता लग गया है। आपके मदों पे खर्च होने वाले खर्चे आपको पता है कि कितने हम खाने पे खर्च करना है, कितने कपड़े पे करना है, कितना मकान पे, कितना बिजली पे, ये पता है। इसके बाद आप बजट बना के अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पहले ले रही है, इसके बाद आप व्यय को रोकने में भी मदद कर रही है, जो वेस्टेज आपके खर्चे हो रहे थे, और इन सबको बचा बचा के आपका क्या है, स्टैंडर्ड, जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें इंप्रूव हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। और जब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, जब एक हम अच्छे मोल में रहेंगे, तो हमें बाद में क्या मिलेगी, तृप्ति, सुख की प्राप्ति होगी, यानी कि हमारी जो आत्मा है वो संतुष्ट हो जाएंगी, मन खुश रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ली है, फैमिली मेंबर्स की जरूरतें पूरी करी है। इसके बाद बजट में आपका आता है उपभोग का नियम, बजट में आता है आपका उपभोग का नियम, उपभोग का नियम किसने दिया था, कब दिया था, उपभोग के नियम में कौन कौन से मद रखे गए थे, कौन
कौन कौन से परिवार में रखे गए थे, ये सब भी तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस बता देती हूँ कि अर्नन एंग, वो एंजल, उपभोक्ता नियम जो हमें दिया था वो दिया था एंस्टर एंजल ने दिया था। कब दिया था? 1857 में दिया था। उपभोक्ता नियम आया था। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि उपयोग 2021 में ही पूछा गया, 2019 में भी है और आपके जीआईसी में भी है, प्रीवियस अगर पीवाईक्यू आप उठा के देखेंगे कि उपभोक्ता नियम किसने दिया, तो एंजल ने दिया था। कब दिया? 1857, 1857 में दिया गया। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म, मृत्यु, इनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो जन्म इनका हुआ था 26 मार्च 1821 में हुआ था, या शायद 27, 1821 जन्म हुआ था इनका 26 मार्च 1821। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी 8 सितंबर 1896 में इनकी डेथ हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि वो का नियम किसने दिया, अर्नेस्ट एंजल ने दिया। कब दिया? सेकंड क्वेश्चन, 1857 में दिया। इनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1821 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 8 सितंबर 1896 में हुई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, ठीक है, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इसके बाद आता है कि इन्होंने कौन से तीन मत दिए हैं या उनमें क्या आवश्यकता रखी गई है। तो एंड उपभोग के नियम में कितने हैं? उपभोग के नियम में तीन मदों का वर्णन किया है इन्होंने। मत कौन कौन, तीन मदों का वर्णन है, कौन कौन से कौन कौन से होते हैं वो, जैसे कि आपके मध्य वर्ग का परिवार, निम्न वर्ग का परिवार, उस परिवार यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली, लो फैमिली एंड हाई फैमिली, इनका वर्णन किया है। और इसमें क्या बताया है कि इनमें क्या पढ़ते हैं हम, इनमें जो हमारे तीन मद है कौन से, मकान, खाना, कपड़े, ईंधन, इन सब का डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम पढ़ते हैं कि कितने कौन से जो कैटेगरी का परिवार है, खाने पे ज्यादा खर्च करता है, कपड़ों पे ज्यादा खर्च करता है, मकान पे ज्यादा खर्च करता है या ईंधन पे खर्च करता है, ये सारी चीजें हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ेंगे। इसमें एक चीज मैं आपको, तो ये तो आपको मैंने बेस बताया था सिर्फ बजट का, कि बजट क्या होता है, किन किन बनाने से क्या हमें लाभ होते हैं या कैसे कैसे उनको बना सकते हैं, क्या क्या उपयोगी पॉइंट थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि बजट में जो उपयोग का नियम था वो किसने दिया, एंजल ने दिया। कब दिया? 1857 में दिया। जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1821 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 8 सितंबर 1896 में हुई थी। इन्होंने उपभोग का नियम कितने मदों पर दिया था? तीन पे दिया था। मद क्या होते हैं? जो हमारी बेसिक नीडें होती हैं, जैसे मकान, कपड़ा, रोटी और मकान, उन पे दिया था। क्यों दिया था? कि उनको डिवाइड कर दिया था किसमें, फैमिली में, जो हमारी तीन तरह की फैमिली होती है, मतलब लो हायर मिडिल क्लास फैमिली, लो फैमिली और हायर फैमिली। तो इसमें इनका जो हम डिटेल में पढ़ेंगे उपभोग का नियम, तो उसमें पढ़ेंगे कि कौन से किस्म, यानी कि निम्न, उच्च और मध्य वर्ग, कौन से वर्ग की फैमिली किस पर कितना खर्च करती है, खाने पे ज्यादा करती है, मकान पे करती है या फिर ईंधन पे करती है। तो ये आपका, एक बार पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं, बजट हमने पढ़ा था। बजट क्या था? आय व्यय का ब्यौरा, कि कितनी हमारी इनकम है और कितनी हमारी खर्चे, प्लस इसके बाद क्या आता है, बजट आता है। जब हम बजट बनाएंगे तो हमें अपनी टोटल इनकम का पता होगा कि कितनी हमारी इनकम है और कितने हमें खर्च करना है। उसके बाद जो सेविंग होती है वो क्या होती है? बचत। बचत इसके बाद का टॉपिक है, इसको बाद में पढ़ेंगे कैसे कैसे हम बचत करते हैं। फिर बजट कैसे होते हैं? बजट दो तरीके के होते हैं, वार्षिक और मासिक। वार्षिक होते हैं ईयरली, मासिक होते हैं मंथली।
ईयरली किसके द्वारा बनते हैं? बाय गवर्नमेंट, जो सरकार बनाती है, मासिक बाय फैमिली मेंबर, जो हमारे घर में बनते हैं। जो वार्षिक होते हैं वो टोटल ईयरली इनकम पे डिपेंड होते हैं। जैसे बड़े बड़े टेंडर छूटते हैं, इनमें सड़क, रेलवे, जल, खान पीन, जो बाय गवर्नमेंट द्वारा हमें दिए जाते हैं, वित्त मंत्री जो बनाते हैं, और मासिक जो हमारे फैमिली हेड ऑफ द फैमिली मेंबर मुखिया बनाता है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बजट बनाने के लाभ। ये बजट है, बजट बनाने के लाभ क्या थे कि टोटल से क्या होगा, इससे बनाने से हमारा या क्यों उपयोगी होता है, अनावश्यक खर्चों में कम मतलब कंट्रोल हो जाते हैं, जो वेस्टेज हमारे खर्चे होते हैं या मितव्ययी होता है, मितव्ययी यानी कि सूझबूझ के साथ खर्च किया जाता है, इससे आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, आय के स्रोत अगर हमारे पास अलग है। जो एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको बताया था कि आप कहीं जा रहे हैं तो जो फादर ने आपको खर्चा दिया उससे अलग जो आपको फैमिली मेंबर देते हैं, या फिर आप सैलरी पर्सन होने के साथ साथ कुछ छोटा मोटा काम करके अर्न कर लेते हैं। इसके बाद मदों पर खर्च होने का पता लगता है आपको कि कितना परसेंट हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। प्राथमिक आवश्यकता क्या है, आपकी बेसिक नीड क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपको उसका पता चलता है। व्यय को रोकने में मदद करता है और रहने का स्तर, जब आपका सारी चीजों में कंट्रोल होगा, सारी चीजें अगर स्मूथली चलेंगी, आपकी बेसिक की नीड पूरी होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अगर लिविंग स्टैंडर्ड आपका अच्छा है तो देन आपको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, संतोष मिलेगा। इसके बाद मैंने बताया था कि बजट के उपभोग के नियम, कि बजट में उपभोग का नियम क्या था, किसने दिया था और क्यों दिया था। एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं अपनी, जो हमारी डेफिनेशन है बजट की, क्योंकि आम ये एक डेफिनेशन है आपकी, मोस्ट ऑफली वो एज इट इज इसको पूछ लेता है कि वेवर के अनुसार क्या मतलब बजट की क्या डेफिनेशन है। तो पारिवारिक बजट को आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने के लिए का तरीका है जिसमें अधिकतम सदस्यों की आवश्यकताओं की पूरी की जा सके। कैसे, अगर इसको आप अपनी भाषा में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि बजट एक हमारे आय और व्यय को खर्च करने का तरीका हमें सिखाता है कि टोटल इनकम हमारी क्या है। हमने अगर 50,000 रुपए कमाए हैं और खर्च हमारा ऊपर कर दें हम, तो क्या होगा, उससे इकोनॉमी स्थिति हमारी खराब होगी और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है कहीं ना कहीं हम कर्जमंद होंगे। लेकिन अगर समझदारी के अतिरिक्त मितव्ययी बजट क्या होता है, एक गृहिणी समझदार गृहिणी क्या होती है, समझदार गृहिणी ये होती है कि उसको अगर किसी ने, आपके फैमिली ने, आपके फादर ने अगर आपके घर में 50,000 रुपए आपको ला के दिए, ये टोटल मेरी मंथली इनकम है, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें सभी परिवार वालों की जरूरत पूरी करनी है प्लस बचत करनी है, सेविंग करनी है इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए। तो आपको बजट, जब आपके पास प्री प्लानिंग होगी पूरी, तभी आप क्या कर पाएंगे, अगर आपके पास ये आपने बनाया, ये बनाया आपने बजट, इस बजट में बनाई आपने प्लानिंग, प्लानिंग के हिसाब से आपको एडजस्ट करने हैं, आपका 15,000 टोटल इनकम है, तो जो आपने योजना बनाई है, प्लानिंग की है, उसमें आपने क्या है, अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, जो आपकी प्राथमिक नीड है, जरूरतें हैं, पहले आपने वो रख ली, उसके बाद आपने जो अन्य सदस्य हैं परिवार के उनकी जरूरतों को ध्यान में रखा, प्लस आपने अपने परिवार के लिए कि उनके लिए क्या बेटर है, उनको कितना मतलब एंटरटेनमेंट के लिए खर्च करना है, कितना उनकी दवाइयों पे खर्च करना है, कितना आपको उनके खाने पे खर्च करना है, वो सारा एक बजट बना के आपने पेश किया, तो आपको एक अनुमान हो जाता है कि आपकी आय प्लस व्यय का एक व्योरा आपके पास होता है, व्योरा यानी के लेखा जोखा, एक हिसाब। तो आय और व्यय का हिसाब किताब रखना या ब्योरा रखना ही बजट कहलाता है। तो आज हमारा बेस स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि बजट के अंदर क्या क्या है, बजट क्यों जरूरी होता है, बजट के जो पॉइंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं,
दूसरा आपको एंजेल का नियम बताया है कि उसने तीन मदों पर दिए थे, वो क्यों दिए थे, कितने परसेंट खर्च करना है, कैसे उससे क्वेश्चन आता है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आई होपफुली कि आपको इसका बेस समझ में आया होगा और कल आप इसको पढ़ के आइएगा। क्यों? क्योंकि इसी से आपके 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं। अभी बिहार वाला जो क्वेश्चन पेपर हुआ है लास्ट मंथ ही हुआ था शायद, उसका रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिले हैं। टाइम मिलेगा तो हम बिहार वाला क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे, पर फिलहाल आप इसको पढ़ के आइएगा। थैंक यू सो वेरी मच।